हम घर से बाहर निकल ही गए, यही है मुजफ्फरपुर। देख रहे पूरे पूरे इलाके में पानी लगा हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 करीब में हो गया हुआ और अभी तक हम सोए हुए थे। और एक्चुअली क्या ना, कल रात से जो बारिश हो रही है, अभी तक बारिश हो ही रही है, जो आपको दिखा रहे हैं अभी हम बाहर। कल रात से यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक बारिश हो रही है और सुबह में तो और ज़्यादा तेज़ हो गई है। गुड मॉर्निंग टिक। बारिश का मज़ा ले रही है? बारिश का मज़ा ले रही थी। बारिश अच्छा ही लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है बारिश तुमको? क्यों? ठंडा लगता है। कहाँ ठंडा? हाफ क्यों पहनी हुई? फुल पहनना, हाफ हाफ पहन के घूम रही। ठंडी लगे तो क्या लगेगा? नहीं तो क्या लगेगा? अच्छा भाई, तो टकलू भाई क्या हाल है? ठीक है। बारिश अच्छा लग रहा है? तुम क्यों नहीं अच्छा लगेगा? छत पर जाएगा? छत पर जाएगा खेलने के लिए, बारिश में नहाने के लिए? नहीं जाएगा। चाय बन रही थी तो मैंने सोचा कि मैं छत पर थोड़ा घूम लेता हूँ, बारिश का मज़ा लेता हूँ। सो आप ही मज़ा लीजिए बारिश का और हम भी ले रहे हैं। तो सुबह की चाय आ चुकी है और बारिश को देखते हुए चाय पीने का मज़ा तो अलग ही है। इधर बारिश हो रही है पूरा और इधर चाय। अगर ऐसे ही बारिश होती रही ना तो मेरा पूरा प्रोग्राम का सत्यानाश हो जाएगा। मैं कल से ही प्लानिंग कर रहा हूँ कि कहीं थोड़ा सा ब्लॉगिंग करूँगा, मोटर ब्लॉगिंग। तीन चार दिन से मैं बाइक को मतलब हाथ तक नहीं लगाया हूँ। सो जब तक मैं बाइक चलाता नहीं तब तक मेरा मन अच्छा नहीं, मतलब अंदर से लगता ना वीकनेस टाइप का, कमजोरी टाइप का फील होता है। अब ये बारिश छूटने से तो रही, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है ना, ये आज मतलब इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होने वाली है, काफ़ी लंबी रहने वाली है ये बारिश। हम घर से बाहर निकल ही गए, बर्दाश्त नहीं हुआ है घर में बैठे बैठे, तो हम निकल गए हैं घूमने के लिए। और यहाँ बारिश कल रात से और अभी तक कंटिन्यू चली रही है, जो नतीजा ये देख रहे हैं इधर पूरा पार्ट का पानी पूरा लगा हुआ है और इसी पानी को पार करना है। देखिए, और बहुत 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 कचरा कचरा ही बहुत है। पार कर चुके हैं और अब मेन रोड पे आ गए। अब पानी कम मिलेगी, सच में पानी में मतलब ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये हालत है बारिश का, लोग भीगने के जा रहे हैं और हम बस पानी को हेल करके छाता लगा करके घूम रहे हैं। ऐसा बारिश का मज़ा कौन लेता है? अभी यहाँ से हम जाएंगे विनय जी के दुकान तक और वहाँ तक दिखाते हैं कितना सारा पानी मिल रहा है। टेम्पो वाला भी अच्छा मजाक कर रहा था, बेचारा डरा रहा था हमको। ये दूसरा गली है जिसमें देखिए पानी लगा हुआ है, ऐसा पानी हर एक गली में लगा हुआ है। ये हम अहियापुर पहुँचने वाले हैं, पानी का पार करते करते हम अहियापुर पहुँच गए और हमारे पीछे और गाड़ी आ रही है आगे। साइड से निकल रहा है, क्या कर सकते हैं, पीछे देखिए गाड़ी आ रही है। वैसे बारिश में गिरने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है मेरा और अभी तक बच रहा हूँ, और इन भाई साहब का बाइक ही ख़राब हो गया। इस गली में हमको जाना है विनय जी के दुकान पे। ये गली का भी वही हाल है, पानी यहाँ अहियापुर में ये हाल है अहियापुर का। देखिए
चलते हम विनय जी के घर तक आप पहुँच चुके हैं। ये सामने वाली गली आती है विनय जी के घर पे, और हम जा रहे हैं उनके दुकान पे। दुकान आगे है उनका, पीछे में छाता लेकर के मॉल ब्लॉगिंग एक हाथ से करना ना बहुत 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 रिस्की होता है। फिलहाल मैं पहुँच जाता हूँ जल्दी से इसके बाद से। एक्चुअली विनय जी मेरा नेक्स्ट जो एक और मार्केट है ना वहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब बताइए कैसा लग रहा है बारिश आपको? हम आ रहे थे और हम और ये विनय जी, और इनको इनके घर से कॉल आया कि चिकन जिस समय आप देखे होंगे मिले थे उस समय लेके आने के लिए, तो वहीं के दुकान पे है कट रहा है, फिर इनको भेजेंगे। हम वेट करेंगे यहाँ पे, फिर ये आते हैं फिर इनके दुकान पे जाएंगे। तो अभी तो बाइक है नहीं, पैदल जाना है इनको, थोड़ा टाइम लगेगा, फादर यहीं वेट करना है। और अभी बारिश का मज़ा लीजिए, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है यहाँ पे। अंकित वहाँ पे वेट कर रहा है इसी छाते के अंदर आने के लिए, इस छोटे से छाते में तीन लोग और दो लोग ऑलरेडी हैं, और एक अंकित भी वेट कर रहा है। सोचिए इसमें कहाँ से एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा, इसमें एडजस्ट कैसे होगा, जल्दी आ क्या ना। इस छाते में तीन तीन आदमी जा रहे हैं, कोई फायदा आगे पीछे हो ना, आगे पीछे तीन आदमी, अच्छी पीछे से गाड़ी आ रही है ना। हाँ अब सही है, बीच रास्ता में चलो। हाँ हम जूता पहने हुए, एक काम जूता कहाँ पहने हुए, आज हमको जाना था बारिश में, कहाँ जाना था बोल लेते, भागा क्यों उधर। तो फिलहाल आप गेट खोलिए, हमने दोनों में तो भाग करके ये फील है, फील फटाफट वो लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी बारिश में हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, दुकान पे आया क्या कर रहे हैं। कोई काम नहीं हम लोग का है, हम लोग पास कोई काम नहीं था, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आकर के ग्रुप में वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI खेलेंगे। और अंकित का ऑन हो गया हुआ है, विनय जी भी ऑन हो रहा है, इनका भी ऑन हो रहा है, मेरा फोन रिकॉर्डिंग पे है तो इसलिए अभी तक ऑन नहीं हुआ है। तो अब खेलते हैं, उसके बाद शाम में निकलेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, क्या ना लगा हो लाइक कर दीजिएगा। अभी 1:22 हो चुके हैं और अभी भी बारिश हो ही रही है, और अंकित का गेम हो गया ख़त्म, अंकित चला गया अपने घर पे, और अब निकल रहे हैं घर, बारिश तुरके रुकने वाली नहीं है, जा रहे हैं घर और डायरेक्ट घर पे मिलते हैं। हम बस घर जा रहे थे तो देखें, ये देखिए बारिश का हाल, और मेढक की इतनी आवाज़ आ रही है टर टर की, ये हालत है यहाँ का। और सामने जो कीचड़ है ना, ये देख करके मेरी और हालत ख़राब हो चुकी है। मेरा पैर अभी फ़िलहाल बहुत स्लिप कर रहा है, बहुत स्लिप कर रहा है, तो पहले मैं पार कर लेता हूँ और डायरेक्ट घर पे मिलता हूँ।